एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसी कार्य को करना क्रिया कहलाता है, जैसे खेलना, दौड़ना, नाचना आदि शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग या संरचना के आधार पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। नंबर वन, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म का अभाव हो तथा क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेलता है, यहां खेलना क्रिया है और यहां कर्म का अभाव दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ कहती वह फुटबॉल खेलता है तो खेलने का प्रभाव फुटबॉल पर होता है, तो कर्म फुटबॉल होता है वहां पे। यहाँ है वह खेलता है। नेक्स्ट है वह नाचती है, तो यहाँ नाचना क्रिया है, यहाँ कर्म का अभाव है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है सकर्मक, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सकर्मक वे क्रिया है जिनके साथ कर्म हो तथा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पत्र लिखती है, वह लिखती है पत्र लिखती है, तो यहाँ क्या करने पर प्रश्न बाकी में क्या कहने पर उत्तर मिले तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। तो लिखने का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है। वह खाना पकाती है, तो यहाँ पकाने का प्रभाव खाने पर पड़ रहा है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया होगी।